बिहार में विधानसभा चुनाव अब खत्म हो चुका है और जल्द ही राज्य में नई सरकार का गठन भी किया जाएगा। एनडीए की जीत के बाद एक बार फिर से बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनने की संभावनाएं तेज हैं। नीतीश कुमार अपने पिछले कार्यकाल में राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू कर चुके हैं, ऐसे में काफी हद तक ये उम्मीद है कि यह फैसला इस कार्यकाल में भी बरकरार रहेगा। लेकिन अब नीतीश कुमार के सहयोगी ही उनसे ये फैसला वापस लेने की मांग कर रहे हैं। जी हां, आपको बता दें, निशिकांत दुबे जो कि भाजपा के सांसद हैं, उन्होंने ये मांग की है। फिलहाल आपको बता दें कि झारखंड की गोड्डा सीट से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने शराबबंदी में संशोधन करने की मांग की है। दुबे ने ट्विटर पर लिखा है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से आग्रह है कि शराबबंदी में कुछ संशोधन करें, क्योंकि जिनको पीना या पिलाना है वे नेपाल, बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का रास्ता अपनाते हैं। इससे राजस्व की हानि, होटल उद्योग प्रभावित और पुलिस एक्साइज भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। बता दें कि चुनाव प्रचार के दौरान भी नीतीश कुमार शराबबंदी को लेकर निशाने पर रहे हैं, तो चिराग पासवान ने कहा था कि शराबबंदी की वजह से बिहार के बेरोजगारों को शराब तस्कर बनाया जा रहा है। चिराग ने कहा था कि नीतीश और उनके मंत्री अच्छे से जानते हैं कि बिहारियों को शराब तस्कर बनाया जा रहा है। इसके जवाब में नीतीश कुमार ने चिराग पासवान के बयान को लेकर उन्हें बच्चा कह दिया था। नीतीश कुमार ने कहा कि शराबबंदी को लेकर कुछ लोग मुझसे चिढ़ते हैं, ऐसे बयानों से किसी बच्चे को पब्लिसिटी मिल रही है तो क्या बुराई है। नीतीश कुमार ने चिराग पर तंज कसते हुए कहा, मेरे खिलाफ बोलने से कोई आगे बढ़ता है तो अच्छी बात है। तो मैं आपको बता दें कि झारखंड के गोड्डा सीट से बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने शराबबंदी में संशोधन करने की मांग की है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से। नेशन न्यूज की रिपोर्ट।